हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं आईवेल इंडक्शन कुकर। जैसे कि आप देख रहे हो, इसका मॉडल नंबर है ग्लास इंडक्शन कुकटॉप क्लाउड 85OY। और यहां पर आप देख सकते हो आईवेल का हमें लोगो मिल जाता है, साथ ही साथ सारी डिटेल्स यहां पर हमें देखने को मिल जाती है। नीचे आप देख सकते हो हाई क्वालिटी क्रिस्टल ग्लास, मल्टीपल सेफ्टी प्रोटेक्शन, LED डिस्प्ले और साथ ही वाइड कुकिंग रेंज। बॉक्स की अगर दूसरी साइड हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 वॉट स्ट्रॉन्ग फायर पावर, प्रेस बटन कंट्रोल, हाई क्वालिटी क्रिस्टल ग्लास, सुपर वाइड वोल्टेज एडेप्टेबिलिटी, ऑटो शट ऑफ सेफ्टी प्रोटेक्शन, ओवरहीट प्रोटेक्शन, मल्टी फंक्शंस, हाई क्वालिटी क्वाइल्स। और बॉक्स के इस साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो IVL 1OYO और आईवेल का यहाँ लोगो मिल जाता है। बॉक्स के इस साइड अगर आप बात करें तो यहाँ पर इसका दिया गया है मॉडल नंबर IVL 1OYO, रेटेड पावर 2000 वॉट, रेटेड वोल्टेज AC 220 to 240, रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और इसका वेट है 2.81 किलोग्राम। और यहाँ पर जो इसकी डिटेल दी हुई है बॉक्स के इस साइड, और अब हम कर लेते हैं इसे ओपन और देखते हैं कैसा है ये इंडक्शन कुकर। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है इसका वारंटी कार्ड, इस पर हमें मिलती है पूरे एक साल की वारंटी। साथ ही साथ अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी चाहते हैं 6 महीने की, तो आपको इसे ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो इसे हम निकालते हैं बाहर और देखते हैं कैसा है ये इंडक्शन कुकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जो वेट है वो है केवल 2.81 किलोग्राम, काफ़ी लाइट वेट है ये। और इसकी जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इसकी है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके साथ हमें मिला है एक यूज़र मैनुअल, और ये एक बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन गाइड है, और इसमें इसके बारे में सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, कैसे हमें इसे यूज़ करना है और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी है। तो इसे रख देते हैं साइड और बात कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये पूरी तरह से एक ग्लास टॉप है और ट्रांसपेरेंट भी है ये, और फिनिशिंग इसकी लग रही है बहुत बढ़िया। ये जो राउंड शेप है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ कंट्रोल पैनल दिया गया है, टाइमर, टेम्परेचर, डाउन, अप, और ये है फंक्शंस, और ये है ऑन ऑफ का बटन। यहाँ से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और बीच में हमें मिल जाता है डिजिटल डिस्प्ले, यानी ये LED डिस्प्ले है। अब बात करते हैं इसके ग्लास टॉप की। आप देख सकते हो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, नीचे आपको दिख रहा होगा नीचे से जो लाइट आ रही है तो ये आर पार दिखाई दे रहा है। इस साइड हमें इसकी कुछ वेंट मिल जाती हैं जिससे कि इसको कूलिंग में आसानी रहती है। यहाँ पर इस साइड भी आपको खुली हुई ये वेंट टाइप की दी हुई है जिससे कि इसमें जो हीट है वो बाहर निकलती रहे। और सबसे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है एक फैन, जो कि गर्म हवा को या गर्मी को बाहर फेंकता रहता है। ये एक तरह का एग्जॉस्ट फैन है। और बैक से सबसे पीछे एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है, इस पर इसकी रेटिंग, पावर 2000 वॉट, ये सब डिटेल हमें मिल जाती है। और साथ ही साथ इसका सीरियल नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे इसे यूज़ करके कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और कैसे ये काम करता है। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले आपको इसे पावर से कनेक्ट कर देना है। मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद आपको ये ऑन ऑफ का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑन ऑफ का बटन प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर E0 करके एक मैसेज आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें एरर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये मैसेज क्यों आ रहा है, कुछ सावधानियाँ हमें रखनी है। सबसे पहली सावधानी ये है कि ये अगर इस पर आप कोई भी बर्तन वगैरह नहीं रखेंगे तो इस टाइप की एरर आएगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, अगर इसका जो भी आप बर्तन इस पर यूज़ कर रहे हैं वो अगर इंडक्शन फ्रेंडली नहीं है, यानी उसका तला अगर फ्लैट नहीं है, और अगर इंडक्शन फ्रेंडली बर्तन नहीं है तो इस टाइप का एरर शो होगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मैं बर्तन लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने एक बर्तन लिया है, लेकिन इसका जो बॉटम है, तला है, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है। तो इसको रख के हम देखते हैं और उसके बाद एक बार ऑन ऑफ का बटन प्रेस करेंगे। पानी डाल देते हैं पहले इसके अंदर,
जैसे मैंने ये बर्तन रख दिया, उसके बाद हम ऑन ऑफ़ का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है फिर से एरर मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है, ईओ करके आ रहा है। इट मीन्स ये जो बर्तन है ये इंडक्शन फ्रेंडली नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो इस बर्तन को चेंज करने के बाद हम दूसरा बर्तन आपको दिखाते हैं, दूसरा बर्तन ले लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये तो जो था इसका फ्लैट नहीं था, अब मैंने दूसरा बर्तन लिया है और ये बर्तन है पूरी तरह से फ्लैट है। अब हम इसको रख के देखते हैं तो आप देख सकते हो इसको मैंने रख दिया है और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी चेक करने के लिए और अब हम करेंगे इसको फिर से ऑन। तो पावर को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो इंडक्शन कुकर है और ये जो बर्तन है वो पूरी तरह से इंडक्शन फ्रेंडली है, इसलिए यहाँ पर जो एरर जीरो आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है और हमारा जो पानी है वो गर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब आप जो यहाँ पर देख रहे हैं सी, यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जब इसे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो 240 डिग्री पर ये काम कर रहा है। इसको अगर आपको कम करना है तो आप माइनस का बटन दबाएंगे तो ये टेम्परेचर आप कम कर सकते हैं, साथ ही साथ प्लस का बटन दबाएंगे तो आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 270 डिग्री है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको मैक्सिमम टेम्परेचर पर ना चलाएं। तो इसको यहाँ से हम कम कर सकते हैं और प्लस के बटन से हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर ये जो एक बटन दिया गया है टाइमर का बटन है, यहाँ से आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम बाद ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ से टाइम आप सेट कर देंगे तो ये जो सेट टाइम है उस पर जाकर ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। और यहाँ पर आपको फंक्शन का बटन मिल जाता है, जब आप फंक्शन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ से फंक्शन आप सेट कर सकते हैं, ऑटो मोड में कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। इस तरह से आप यहां से इसे यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा पानी जो है वो बॉइल्ड होना स्टार्ट हो गया है, इसमें बुलबुले दिखाई दे रहे हैं आपको और आप देख सकते हो पानी हमारा उबलने लगा है। तो बहुत ही जल्दी ये गर्म हो चुका है, तो आपको यही सावधानी रखनी है इसके अंदर कि जो बर्तन है वो इंडक्शन फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद आपको इसे ऑफ कर देना है और इसकी जो पावर है पावर कॉर्ड तब तक ऑफ नहीं करनी है जब तक कि इसका जो फैन है वो बंद ना हो जाए। नीचे जो इसका फैन है वो बंद नहीं होना चाहिए, जब वो बंद हो जाएगा उसके बाद ही आपको पावर ऑफ करनी है। और साफ करने के लिए आपको सूखे कपड़े से या फिर हल्के गीले कपड़े से इसे इस तरह से पोंछ देना है। तो अगर आपको इसे परचेज करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।